आगे बढ़ो, सीरीज में आगे बात कर लेते हैं। सीरीज में बताया बहुत सारे नंबरों का जो अरेंजमेंट है, या उनको एक अरेंजमेंट एक रो में लगा दिया जाए, या उनका जो कलेक्शन है उसे हम सीरीज बोलते हैं। नंबरों को एक रो में सजा देना क्या हो जाती है? सीरीज। या किसी आदमियों को एक रो में खड़ा कर दो तो क्या बोलते हैं? एक लाइन लग गई है, लाइन लग गई मतलब एक सीरीज बन गई है। क्लियर? अच्छा, फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज इज रिप्रेजेंट बाई ए या A1, nth टर्म रिप्रेजेंट बाई An और Tn। Tn लिखो चाहे An लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने बच्चों वहां एग्जाम्पल लेके बताया था, बोला था पहले टर्म को A बोला है, दूसरे को A2, तीसरे को A3, चौथे को A4, सातवें को T5 बोला था। और सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म को हम हमेशा Sn से लिखते हैं, ये मैंने बताई थी। अगले पेज पे तुमको उस दिन बताया था कि S3 का मतलब है पहले तीन टर्म का सम, क्योंकि यहाँ क्या बोला है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। सम की डेफिनेशन में देख लो, सम ऑफ एन फर्स्ट टर्म यूज किया गया है। क्लियर है? तो यहाँ पर मैंने आगे क्या बात की थी, S3 तीन टर्म का सम, S20 बोले तो 20 टर्म का सम, और एक फॉर्मूला बनाया था जो आपके बहुत काम का था, Tn बराबर Sn - Sn-1। आज इस पर हम क्वेश्चन करने वाले हैं, ये रह गया था उस दिन। फिर मैंने एक सीरीज दी थी, पूछा था A1 क्या होगा, A5 क्या होगा, तो तुमने देख देख के बताया था। बोलो, यहाँ तक क्लियर हो गया था सबको? यहाँ तक सबको क्लियर था? यस। चलो, इतना ही हम बता पाए थे कि इससे आगे पढ़ लिया था। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। क्लियर? चलो आगे की चीजें देखते हैं कि आगे हम इसमें क्या क्या पढ़ सकते हैं। तो चलो, तो अगले पेज पर मैं आगे एक क्वेश्चन और कर रहा हूँ, उस दिन देने से रह गया था, आज एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है इफ, अच्छा यहाँ पर इससे आगे भी पढ़ाया था मैंने शायद, हाँ ये रहा, मुझे बहुत याद है। हाँ मुझे याद है, एक और क्वेश्चन कराया था, यहाँ Tn दिया था तुमको 5n² + 2, यहाँ पर बोला था 7, 22, 47, 82, 127। ये तुमने कैसे निकाला? n की वैल्यू 1 डाली तो T1 आया, 2 डाली तो 22 आया, 3 डाली तो ये आ गया, 4 डाला तो ये आया, 5 डाला तो ये आया। वहां से T1 से लेके T10 तक आपने इस फॉर्मूले के बेसिस पर एक्सप्लेन किया था, याद है कि नहीं? तभी मैं कहता हूँ कुछ तो गायब है। S1 मतलब पहले टर्म का सम, S3 मतलब तीन टर्म का सम, S5 बोले तो पहले पांच टर्म का सम। बोलो, क्लियर हो गया था यहाँ तक? यहाँ तक किसी का कोई डाउट हो तो बोलो, क्योंकि ये बेसिक ऑफ सीरीज, सीरीज का इतना पार्ट जिसको समझ में आ गया है ना, 50% सीरीज उसको क्लियर हो गया है, 50% क्वेश्चन ऐसे ही बनने वाले हैं। चलो एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ। Sn बराबर मान लो दिया गया है कितना, n² + 3n + 2, n² + 3n + 2। तो पहला काम है Tn निकालो। चलो Tn निकाल के बताओ, Tn का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, Sn - Sn-1। जिसने Tn निकाल के मुझे बता दिया मतलब वो सारे बच्चे पास हो जाएंगे। निकाल के बताओ Tn, देखता हूँ कितनी कैलकुलेशन आती है आपको, करके बताइए, देन आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देन स्टार्ट करते हैं। करो इसे, मुझे जो देखते हैं कौन है जो Tn निकाल के देगा।
2+2 एंड बहुत बढ़िया काम किया आप लोगों ने, मैं हैप्पी हो गया। कितने लोग, सबसे पहले किसने करके बताया? तो फर्स्ट सबसे पहले करके दिखाया है प्रणव यादव, सेकंड सर्वरी, तीसरा वेदांत, चौथा अदृश्य, पांचवा प्रथमेश, ओमकार कदम, अबोली, इंद्रजीत, वेदांत, प्रतीक, निषाद, प्रथमेश, सार्थक। वेरी गुड, सबने बहुत अच्छे से किया। चलो देखते हैं कैसे, SN की जगह लिखेंगे N²+3N+2। माइनस SN-1 का मतलब हो गया माइनस का N-1 का होल स्क्वायर, 3N का आ जाएगा 3 × N-1, और 2 की जगह -2, 2 का कुछ नहीं होगा, तो 2 से 2 डायरेक्टली स्वाहा, तो यहाँ आएगा N²+3N, माइनस का N²। बाकी लोग देख लीजिए मैं कैसे कर रहा हूँ, ताकि आपका भेजा काम करना शुरू कर दे। -3N+3, अब देख सकते हो 3N से 3N स्वाहा, N² से N² स्वाहा, तो आपका ये आंसर 2N+2 निकल के आ रहा है। बहुत बढ़िया। चलो इसका दूसरा क्वेश्चन है T3 निकालो, चौथा क्वेश्चन है T5 निकालो, पांचवा क्वेश्चन है S5 निकालो, छठवा क्वेश्चन है S6 निकालो, S10 निकालो। ये चलो पांच इतने ही क्वेश्चन करते हैं इसके अंदर। एक्सप्लेन अगेन बेटा, SN का मतलब है N। जब मैं SN-1 की बात कर रहा हूँ ना, तो N की जगह N-1 रख दूंगा। अगर यहाँ मुझे N-5 निकालना होता ना जय बेटा, तो N की जगह N-5 रख देता। जब SN था तो ठीक है, N है, N की जगह N-1 रखो, तो N² की जगह क्या N-1 का होल स्क्वायर आएगा, 3N की जगह 3 × N-1 आएगा, और आगे माइनस करना इसलिए माइनस का साइन है, और 2 में तो N है ही नहीं, तो बेचारा 2 का 2 रहेगा। अब काट पीट करो, आगे करो। क्लियर हुआ जय बेटा? जय बेटा क्लियर करो, क्योंकि जितना यहाँ तक ये सीरीज है, ये इंट्रोडक्शन है, ये इंट्रोडक्शन नहीं है, सारी सीरीजों में यही चीज रोज रोज पढ़ाई जाने वाली है। मतलब आपको कुल मिला के यही सब करना है बस। वाह, पूरी सीरीज ही निकाल दी, T3 की तो जरूरत ही नहीं है। अच्छा T3 निकाला, T3 निकालो तो 3 × 6+2 8, T5 निकालना था तो 12। बहुत बढ़िया, अति उत्तम। अब S5 निकालना है तो TN की हेल्प मत लो, सीधा SN से देखो, SN में सीधा 5 और 10 डाल दो, आपके आंसर आ जाएंगे। जब इसमें 5 डालेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 + 15 + 2 तो 42 आ जाएगा, करके देखना आप। 10 डालो 100, 130, 132। वेरी गुड, बोलो समझ गए? और TN और SN की कहानी। सर एक बात है, एक डाउट है जो आपके दिमाग में आना चाहिए। सर आपने बताया कि SN दिया हो तो हम TN निकाल सकते हैं, बोलो मैंने बताया है कि नहीं? अगर SN दिया है तो हम TN निकाल सकते हैं, ये आपने हमें बताया, तो क्या सर TN दिया हो तो हम SN निकाल सकते हैं क्या? सर अगर हमें TN दिया हो तो हम SN निकाल सकते हैं क्या? मेरा आंसर है बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। थर्ड क्या निकालना है? थर्ड में S5 निकालना है बेटा, शांतनु बेटा, थर्ड में S5 निकालना है, जो कि 42 आएगा। तो बेटा कब सीखेंगे सर उसे, जब TN से SN? तो बेटा वो सीखेंगे करीब 2 हफ्ते बाद। 2 हफ्ते के बाद वो दिन आएंगे जब तुम्हारा TN लिखा हो और आपको SN निकालना है। क्लियर है? नहीं समझ रहा, एक बार मेथड करके बताओ ना सर। चलो मैं नेक्स्ट पेज पे दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ इस पूरे क्वेश्चन को, ताकि बाकी लोगों को समझ में आए। चलो बेटा, हमने क्वेश्चन में SN दे रखा था N²+3N+2। पिछला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो डाउट आने ही वाला है। तो सबसे पहले हम SN-1 निकालेंगे। SN-1 का मतलब है N की जगह आप N-1 रख दो, N की जगह आप N-1 रख दो, तो ये होता है N+2। अगर मान लो बेटा मेरे को SN-10 चाहिए होता, तो वही मैं दिमाग नहीं लगाता, N-10²+3 × N-10+2। पहले आप लोग ये समझो कि ये S के N की जगह कोई नया ले लिया जाए तो क्या फर्क पड़ता है। तो पहले तो ये फर्क आपको समझ में आना चाहिए जय बेटा। अब क्लियर हो रहा है? यहाँ तक क्लियर। चलो इसे ओपन करो, ओपन करो तो क्या N²+1 -2N+3N
-3 + 2, बोलो इतना आएगा बेटा। इसे सॉल्व करने पे n² + n करके देख लो, n² + n, और 2, 1 और 3 से 3 कैंसिल, बोलो इतना क्लियर। अब बेटा tn का फॉर्मूला बता रखा है, ये तुम्हें याद करना पड़ेगा। सर आप तो फॉर्मूले याद नहीं कराते, लेकिन 2-4 फॉर्मूले तो हमको सबको याद करने पड़ते हैं, ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। यहाँ पर Sn है तुम्हारा n² + 3n + 2, जिसमें से हमें माइनस करना है n² + n, बोलो यहाँ तक क्लियर हो रहा है बेटा। चलो तो बेटा आपको समझ में आ रहा हो, 3n - n तो ये आ जाएगा 2n + 2, बोलो यहाँ तक क्लियर। चलो अब मेरा Tn तो आ चुका है बेटा 2n + 2, ठीक है, और मेरा बेटा Sn आ चुका है कितना, क्वेश्चन में दिया था n² + 3n + 2, बोलो क्लियर। अब मैंने आपसे अगर T1 पूछूं तो बेटा कितना आएगा, 2 + 2 = 4, 2 × 1 + 2 = 4, आप देख सकते हो n की जगह 1 डालो। मैंने आपको T3 निकालने को बोला तो n की जगह पर 3 डालो। अब थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है। अब मान लो मुझे को निकालना है T10, T10 निकालना है तो कितना आएगा, 2 × 10 + 2, बोले तो 22। मैंने आपको T5 निकालने को बोला था तो ये आया था 10 + 2 = 12। जय बेटा, यहां तक क्लियर हुआ आपको, जय जगताप। हाँ अब क्लियर हो रहा है, यस। अब Sn में अगर मुझसे कोई Sn पूछे तो 1² + 3 × 1 + 1, बोले तो 5। S1 पूछेगा तो मेरा ये आंसर आ जाएगा 5। ओके यस। S2 पूछेगा तो यहाँ पर मेरा क्या होगा, S2 पूछेगा तो कितना आएगा, 2² + 4 + 3 × 2 = 6 + 1, तो ये आंसर आएगा 11। अच्छा यहाँ पर अब थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पर गड़बड़ क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। चलो उस गड़बड़ को अभी डिस्कस नहीं कर रहे, बाद में क्लियर करेंगे। चलो S3 अगर निकालना है तो बेटा वो आएगा तुम्हारा 9 + 3 × 3 = 9 + 1 = 19। चलो सर गड़बड़ क्या है वो थोड़ा सा बताओ बेटा, तुमको दिख रहा है कि जो तुम्हारा T1 है वो क्या फोन निकल के आया है, बोलो। और यहाँ पर जो S1 है वो हमारा सॉरी यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, ये 6 निकल के आया है, ये आप समझ रहे हो। T1 4 निकल के आया और S1 6 निकल के आया है। हाँ यही तो मैं बोल रहा हूँ, T1 और S1 मस्ट बी इक्वल, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, बट यहाँ से इक्वल नहीं निकल के आए। चल अभी आपने सीरीज नहीं पढ़ा है, अभी आपको इसके थोड़ी थोड़ी चीजें अभी आपको धीरे धीरे आगे पता चलेंगी, तो मैं बता देता हूँ ये आया क्यों। ये इसलिए आया क्योंकि Sn के अंदर 2 एक्स्ट्रा है, ये 2 नहीं होता तो ये गड़बड़ ही नहीं होती, तो ये गड़बड़ की बजाय ये +2। आप देखोगे सारे आंसर ही 2 एक्स्ट्रा आएंगे, कैसे आएंगे देख सकते हो। जब आप बेटा T2 निकालोगे, जब आप T2 निकालोगे तो यहाँ से क्या 6 आ रहा है, तो देख लो ये कितना आ रहा है 10, ये आएगा 12, गलती की होगी मैंने, ये +2 + 2 = 12 + 2 = 20। और जब आप T1 T2 T3 4, 6, 8 इनको सम कर लो 18, तो 2 का ये डिफरेंस हमेशा यहाँ से आएगा। तो क्या करने का, जब Sn पूछ रहा है तो +2 ऐड करने का, इसलिए पहले टर्म को ये 2 दे दे रहे हैं। तो T1 के अंदर क्या होता है, तो T1 अगर कोई पूछेगा तो वो आएगा बेटा 6, ये डिफरेंस केवल T1 को दिया जाता है और किसी को नहीं दिया जाता, क्योंकि ये जो Tn का जो फॉर्मूला आता है ना वो हमेशा n > 2 से आता है। ये सब थोड़े थोड़े प्रॉब्लम है, इन्हें हम चैप्टर के एंड में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं, बोलो समझ में आया। तो ये जो फॉर्मूला है Tn का, वहां से हम T2 T3 T4 T10 T20 इन सब में लगा सकते हैं। T1 का जो फॉर्मूला है वो केवल S1 होता है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है।
ये जो फॉर्मूला होता है टी एन का, या लिख सकते हो चाहो तो एन ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब ये दूसरे टर्म से ये फॉर्मूला वैलिड है, पहले टर्म के लिए ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। क्लियर? पहले पहला टर्म हमेशा एस वन से ही निकलता है। चाहे तो इतनी थ्योरी पढ़ने के बाद नोट डाल के लिख लो नोट, टी वन बराबर एस वन ऑलवेज, ठीक है, टी वन बराबर एस वन और टी एन बराबर एस एन माइनस एस एन माइनस वन, यहाँ लिखा था वहां लिख सकते हो, एन दो या दो से बड़ा होना चाहिए तभी ये फॉर्मूला वैलिड है, वरना ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। क्लियर? टी वन हमेशा एस वन से आएगा, बाकी दो से बड़े के लिए एस एन माइनस वन वैलिड है। नोट कर लो यहां तक। अब मैं थोड़ा नई स्लाइड बना रहा हूँ, क्योंकि मैं सीरीज के यहाँ जो तीन चार पेज है उनको भी मैं नई स्लाइड में लूंगा, और इस स्लाइड में केवल मैं सीरीज का नया स्लाइड बना रहा हूँ। चलो अब स्टार्ट करते हैं आपका एपी। स्टार्ट करते हैं एपी, हेडिंग डालो एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जल्दी से सब लोग हेडिंग डाल लो एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो हेडिंग डाल लो सारे बच्चे, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। न्यू चैप्टर नहीं है, सीरीज के अंदर ही हेडिंग है एपी। एपी का मतलब होता है, एपी लिख लेना एडिंग है, ये लो यहाँ पे मत लिखो, यहाँ पे लिखो एपी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ब्रैकेट में लिख लेना एपी, ARITHMATIC अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या अर्थमेटिक सीरीज जो नाम देना है दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी एग्जाम में ये सब छोटी मोटी चीजें नहीं पूछेगा। शॉर्ट में लिखना एपी, कहीं भी आपको ए डॉट पी डॉट जो बार बार लिखा मिलता है वही है ये एपी। लास्ट स्लाइड, लास्ट स्लाइड तो बेटा आपको लास्ट पेज पे मिलेगी, ये लो लास्ट स्लाइड, यहाँ से नोट कर लो। डन। आज का पहले मैं होमवर्क भी बता देता हूँ, लेवल टू के अंदर, लेवल टू में कितने क्वेश्चन है ये नहीं करने एक भी आपको, केवल लेवल टू के अंदर हमारे कितने क्वेश्चन है 25, तो 12 क्वेश्चन आज 13 क्वेश्चन कल, या 13 आज 12 कल, 2 दिन का ये कंबाइंड होमवर्क है, 25 क्वेश्चन हो जाएगा। मैं इसे 2 दिन बाद, मतलब आज क्या है ट्यूजडे, मैं थर्सडे को इसे डिस्कस करूंगा, हो जाएगा ये 25 क्वेश्चन, ओनली 25 क्वेश्चंस। तो 25 क्वेश्चन 2 दिन का होमवर्क मैं आपको एडवांस में बता के चल रहा हूँ, ताकि कल को ये ना कहे कि मुझे होमवर्क नहीं होता। इसके अंदर लिखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मैं बोल रहा हूँ, आप लिखो द सिक्वेंस इन विच 12 आज कर लो 13 कल, या 13 आज कर लो 12 कल, कुल मिला के 25 क्वेश्चन 2 दिन में हो जाने चाहिए, ठीक है। चलो हेडिंग में लिखो द सिक्वेंस इन विच डिफरेंस ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म, सिक्वेंस इन विच डिफरेंस ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म, द सिक्वेंस, देखो प्रोग्रेशन के अंदर ही मैंने सिक्वेंस वर्ड ऐड कर दिया, तो मैंने उस दिन भी बोला था बेवकूफ बनाने के तरीके हैं, अपना ज्ञान झाड़ने के तरीके हैं, कि शरीर में ये डिफरेंस है, इसमें वो डिफरेंस है, सब कुछ एक ही है, तो वो अलग अगर कोई बोले तो उसकी बात को इग्नोर मानने का, सब लोगों का अपना अलग अलग कहना है। द सिक्वेंस इन विच डिफरेंस ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म, डिफरेंस ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म,
डिफरेंस ऑफ एनी टू कॉन्जुगेटिव टर्म्स इज कॉन्स्टेंट, डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जुगेटिव टर्म इज कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड एपी, इज कॉल्ड एपी द सिक्वेंस इन विच डिफरेंस ऑफ एनी टू कॉन्जुगेटिव टर्म इज कॉन्स्टेंट एंड कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड एपी। नया पैराग्राफ बना के लिखो। चलो इतना ही लिख रहा बहुत है, ठीक है। चलो एग्जाम्पल समझते हैं इसके। जैसे मैंने लिया 2, 5, 8, 11, 14, 17, डॉट 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 डॉट। ये देखो 2 और 3 के बीच में कितना डिफरेंस है, 3। 5 और 3 के बीच में 3, 8 और 11 के बीच में 3, 11 और 14 के बीच में 3, 14 और 17 के बीच में, तो ये डिफरेंस 3 है, इसलिए ये क्या कहलाएगी, एपी कहलाएगी। बोलो बात समझ में आया कि नहीं। इट इज एपी, क्लियर, लिख लो इट इज एपी। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, बताओ ये एपी है कि नहीं, मुझे पहचान के बताना, सोच समझ के आंसर करना, जबरदस्ती आंसर करने की जरूरत नहीं। बोलो बताओ क्या ये एपी है। क्वेश्चन आया कि जो एग्जाम्पल लिखा मैंने दूसरा, क्या ये एपी है? यस। कैसे पता चला सर? थोड़ा सॉल्व करते हैं। √2, 2√2, ये आएगा 3√2, ये आएगा 4√2। बोलो समझ में आ रहा है? इनके बीच का डिफरेंस √2, इनके बीच का डिफरेंस √2, इनके बीच का डिफरेंस √2। बोलो समझ में आ रहे हैं? तो ये भी आपकी एपी है। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? तो मतलब क्या है, हम पहली सीरीज पढ़ रहे हैं जिसका हमें पैटर्न पता है। अगर ऐसे टर्म है जिनमें तीन तीन का डिफरेंस बढ़ता जाए या एक फिक्स नंबर बढ़ता जाए तो उसे हम बोलते हैं एपी। बोलो क्लियर, बोलो समझ में आया। चलो एक और एग्जाम्पल समझते हैं। मैंने बोला 90, 80, 70, 60, 50, बताओ क्या ये एपी है? क्या ये एपी है? यस। क्यों? इनके बीच का जो डिफरेंस है वो -10 है, इनके बीच का जो डिफरेंस है -10 है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो -10 है, इनके बीच का डिफरेंस है -10 है, मतलब ये एपी। नोट करो इतना, पहले आप इतना नोट करो। बोलो क्लियर। चलो अगले पेज पे बढ़ता हूं मैं, नोट हो गया, अगले पेज पे जाएं। नौ मिनट बचे हैं, थोड़े बहुत बता रहा हूँ। कल मैं कोई डिस्कशन नहीं लेने वाला हूँ, कल थोड़ा प्रोग्रेशन को थोड़ा डिटेल में और अच्छे से आगे बढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि तो हमारे सैटरडे का स्टार्ट हुआ है, अभी तक हम इसमें आगे नहीं बढ़ पाए, डिस्कशन में हमारा काफी टाइम जा रहा है। चलो तो Level 2 होमवर्क है, 2 दिन के अंदर कंप्लीट करनी है 25 क्वेश्चंस। मुझे उम्मीद है कि Level 2 में आपके कम से कम 15 क्वेश्चन आपके बनने चाहिए out of 25, तो आप सही डायरेक्शन में आपकी स्टडी जा रही है। चलो आगे बढ़ू। ईशान बेटा डन। टेस्ट में कितने क्वेश्चन आएंगे? एपी के 2-4 क्वेश्चन आएंगे, ये आपके बोनस क्वेश्चन होंगे, आप ये मान के चलो बोनस क्वेश्चन, मतलब आपके फ्री के मार्क्स। चलो हेडिंग डालो नोट्स। अब थोड़ा एपी के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। अभी तक हमने जाना कि जो डिफरेंस वाली सीरीज होती है जिसमें डिफरेंस कांस्टेंट है उसी को हम एपी बोलते हैं। इसमें पहला नोट देखो, फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट बाई स्मॉल ए और कैपिटल ए, जैसा अपनी अपनी मर्जी है, कुछ लोग स्मॉल ए से नाम लेते हैं, कुछ लोग कैपिटल ए से नाम करते हैं। क्लियर है? फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट बाई स्मॉल ए और कैपिटल ए, तो मैं तो स्मॉल ए लिखता हूं, लेकिन कहीं भी कैपिटल ए मिले तो घबराने का नहीं।
क्लियर है, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा बता रहा हूँ। चलो क्लियर, टेस्ट पेपर आज बनाया जाएगा अभी, ठीक है। चलो, रिप्रेजेंट बाय स्मॉल ए और कैपिटल ए, एंड लिखो एंड, एंड कांस्टेंट डिफरेंस, एंड कांस्टेंट डिफरेंस, एंड कांस्टेंट डिफरेंस। मैंने क्या बोला, डिफरेंस इज कांस्टेंट, यही तो बोला था। डिफरेंस ऑफ एनी टू कॉन्जुगेट टर्म इज कॉन्स्टेंट, तो एंड कॉन्स्टेंट डिफरेंस, एंड कॉन्स्टेंट डिफरेंस रिप्रेजेंट बाई स्मॉल डी, कॉन्स्टेंट डिफरेंस रिप्रेजेंट बाई स्मॉल डी। क्लियर है, लिखो कॉन्स्टेंट डिफरेंस रिप्रेजेंट बाई स्मॉल डी। स्मॉल डी का फॉर्मूला होता है टी टू माइनस टी वन, चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं टी थ्री माइनस टी टू। कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म लेके आप इनका डिफरेंस करोगे, वही तुम्हारा डी का फॉर्मूला है। तुम्हारी मर्जी है कि नहीं सर, मैं तो टी 100 माइनस टी 99 करने की इच्छा है, वो भी कर लो तब भी डी निकल के आएगा। मतलब कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस है वो डी के बराबर होता है। यहाँ पर हमारा कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंस हो गया डी। तो यहाँ पर मैंने दो चीज एक्सप्लेन करी, एक ए और एक डी। क्लियर है, तो आप ये समझ लीजिए आपके एपी के ये दो हथियार हैं। मैं आपको फिर से बता दूं, ये आपके दो हथियार हो गए ए और डी। बोलो समझ में आया, क्या आप इतना समझ रहे हैं कि इन्हें आप हथियार की तरह यूज करोगे? आप समझ लो, जिसने प्रोग्रेशन, जिसने क्वाड्रेटिक में सम और प्रोडक्ट को हथियार बना के क्वेश्चनों को ट्राई किया होगा, तो उसके अगर 10 में से अगर पहले 8 डाउट आ रहे होंगे तो 6 डाउट रह गए होंगे। मतलब 2-3 क्वेश्चन तो कम से कम सॉल्व हो गए होंगे सम ऑफ प्रोडक्ट को अपना हथियार बना के। सिंपली मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आपको एपी का कितना भी खतरनाक क्वेश्चन दे दिया जाए, ए और डी में कन्वर्ट कर लो, क्वेश्चन खत्म। ये आप अभी प्रैक्टिस के साथ आगे समझोगे। चलो, तो पहला टर्म ए है, तो क्या मैं दूसरे टर्म को ए प्लस डी लिख सकता हूँ? इस फॉर्मूले के हिसाब से देख लो एक बार, अगर मेरा अच्छा क्या, अच्छा अगला टर्म क्या आएगा कोई बताएगा? अगर एक पहला टर्म ए है, दूसरा ए प्लस डी, अगला क्या आएगा? वेरी गुड, ए प्लस टू डी। उसका अगला ए प्लस थ्री डी, उसका अगला ए प्लस फोर डी। ये सीरीज चलती रहेगी। अब मुझसे बोला गया इसके टी एन के बारे में बताओ, तो मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या होगा? पहले टर्म में जी के डी कितने आए हैं? 0 आए हैं कि नहीं? क्या पहले टर्म में 0 डी आया? ए तो सब में ए प्लस ए प्लस ए प्लस तो सब में, तो मैंने ए प्लस तो लिख दिया। क्या पहले टर्म में 0 डी आया है? ये क्लास ऑफलाइन में पढ़ाता तो ज्यादा मजा आता। क्या पहले टर्म में 0 डी आया है? बेटा आगे आगे मत भागो ऐसा बेटा। क्या दूसरे में कितना आया? 1 डी आया है। और तीसरे में कितने डी आए हैं? पहले में 0, दूसरे में 1, तो तीसरे में कितने आए हैं? 2। चौथे में, फोर्थ टर्म में कितने डी आए हैं? 3। और फिफ्थ टर्म में 4। तो तुम ही बताओ T10 में कितने डी आएंगे? 9। अच्छा बताओ T100 में कितने डी आएंगे? 99। क्या आपको इतनी कहानी समझ में आ रही है? तो तुम ही बताओ क्या एनवे में N-1 डी आएंगे? नोट करो, दूसरा नोट बना के, Tn बराबर a प्लस N-1 इंटू डी। तो Tn का मतलब लिखना nth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, क्लियर चलो तीसरा नोट लिखते हैं, हमारे टाइम लिमिटेड टाइम बचा हुआ है, तो अभी बस आज फॉर्मूले लिख रहे हैं, ज्यादा डिटेल में बात कल कर पाएंगे। क्लियर है, अगर तुमसे यहाँ पे लिखो तीसरे नोट में लास्ट टर्म, लास्ट टर्म मतलब सीरीज का लास्ट टर्म रिप्रेजेंट बाई एल, लास्ट टर्म रिप्रेजेंट बाई एल। तो टी एन फ्रॉम एंड का एक फॉर्मूला बनता है टी एन फ्रॉम एंड, इसका मतलब क्या है बताता हूँ तुमको थोड़ी देर में। तो ये होता है एल माइनस N-1 इंटू डी। जैसे एक सीरीज के अंदर 1000 टर्म है, तुमसे बोले लास्ट से पांचवा टर्म क्या होगा, तो
फॉर्मूला लगाओगे एल माइनस फाइव माइनस वन इंटू डी। बोलो समझ में आ रही है कहानी? बोलो यहां तक क्लियर? कोई कहेगा ये कैसे आया, तो समझो लास्ट टर्म तो एल होगा, उससे पहले क्या एल माइनस डी आएगा, उससे पहले एल माइनस टू डी आएगा। अब यहां से समझ सकते हो, या लास्ट से दूसरा लिया तो एक कम डी था, तीसरे में दो डी है, तो एनवे में एन माइनस वन डी है। आप इसे अपने कॉमन सेंस से समझ सकते हैं, अगर नहीं समझ में आए तो याद कर लो, सबसे बढ़िया तरीका। चलो चौथा क्वेश्चन, और वेरी चौथा नोट और वेरी इंपॉर्टेंट, इसके साथ अभी लेक्चर को करेंगे खत्म, कल इनमें डिटेल में लिखेंगे। तो आज का होमवर्क ये भी है कि ये एपी के चारों नोटों को समझ के आना है घर से। जिनको क्लास में समझ में आ गया अच्छी बात है, एक बार मन में और सोच लेना, जिनको नहीं समझाए तो चारों पॉइंट याद करके आने। देखो टू ट्राई क्वेश्चन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, चौथा क्वेश्चन लिखो, टू ट्राई, टू ट्राई क्वेश्चन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मैं तो एपी लिखूंगा शॉर्ट में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कन्वर्ट कन्वर्ट ऑल रिजल्ट, कन्वर्ट ऑल रिजल्ट, कन्वर्ट ऑल रिजल्ट्स इन टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ ए कॉमा डी। मैंने आपको पहले भी बोला कि ये ए और डी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हथियार हैं, इनको जितना यूज करोगे उतना अच्छा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझ में आएगा। यहाँ पर डी लिख नहीं पा रहा हूं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है। बोलो क्लियर? आप लिख लो डी, यहाँ लास्ट में मैं डी लिख नहीं पा रहा हूँ। तो आज के लेक्चर को मैं यही खत्म कर रहा हूँ, इतने नोट समझ के आना। कल हम एपी पे बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं। एपी अगर समझ में कल आ जाएगा तो परसों फिर हम जीपी भी पढ़ने वाले हैं। क्लियर?